आज हम इस वीडियो में बात करने वाले पेटीएम मनी जो स्टॉक ब्रोकरेज है जिसमें बोला जाता है जीरो ब्रोकरेज। ऐसे बहुत सारे मार्केट में स्टॉक ब्रोकरेज है जीरो ब्रोकरेज लगाते हैं, पर कुछ ना कुछ ब्रोकरेज तो लगती है, जैसे गवर्नमेंट चार्जेस हो गए, सेबी टर्नओवर चार्जेस हो गए, स्टैम्प ड्यूटी हो गए, तो ऐसे बहुत सारे चार्जेस, जैसे जीएसटी हो गए, इन सब चार्जेस पे तो बहुत सारे चार्ज लगते ही लगते हैं, फिर भी ये बोलते हैं जीरो ब्रोकरेज। तो जीरो ब्रोकरेज वो लोग है वो ब्रोकरेज नहीं लेते, पेटीएम मनी खुद ब्रोकरेज नहीं लेता, पर जो गवर्नमेंट चार्जेस है वो तो लगने ही लगने। तो इस वीडियो में बने रहे, तो आप अगर एक शेयर भी बाय करते हो तो आपको कितना ब्रोकरेज इंट्राडे पे लगेगा, कितना ब्रोकरेज डिलीवरी पे लगेगा, तो सारी बात इस वीडियो में डिटेल में करेंगे। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें, वीडियो स्किप ना करें। अगर आप पेटीएम मनी में अकाउंट ओपन किया है और आप देखना चाहते हो क्या चार्ज लगे, तो आप पेटीएम मनी की वेबसाइट पे आ जाओ या एप्लीकेशन पे, आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर मिलेगा, वहाँ आपको सारी डिटेल बताई जाएगी कि आपको जीरो ब्रोकरेज चार्जेस पे कितना चार्जेस लगता है। ब्रोकरेज चार्जेस ठीक है, वो बोल रहे हैं जीरो है, पर आपको और चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी और वो मैंने बताया आगे। तो डिटेल में बता दें कि अगर एक वीडियो एक शेयर लेते हैं, एक प्राइस पे लेते हैं, तो कितना ब्रोकरेज लगेगा और आपको कहाँ तक लॉस हो गया, नेट प्रॉफिट होगा, लॉस हो, सब डिटेल में बात करें। एक बाइंग प्राइस ले लेते हैं अपन 100 रुपये, सेलिंग प्राइस करते हैं 10 रुपये, और अपन एक शेयर की क्वांटिटी पे देखते हैं, मतलब आपने 10 रुपये पे शेयर सेल किया 110 पे, तो आगे की बात करें तो आप इंट्राडे में देखोगे तो ब्रोकरेज लग रहा है 0.011 पैसे, जबकि डिलीवरी में 0.02 पैसे ब्रोकरेज चार्ज लग रहा है, जिसको आप ब्रोकरेज चार्ज जीरो बोलते हो, फिर भी 0.02 पैसा तो लगता है सिंगल शेयर इतने से अमाउंट पे। अगर शेयर ज़्यादा होंगे या अमाउंट ज़्यादा होगी तो ब्रोकरेज ज़्यादा लगेगी। फिर एक्सचेंज टर्नओवर लगता है 0.01 इंट्राडे डिलीवरी में सेम, जीएसटी लगता है 0.02 पैसा और 0.01 पैसा, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन लगना ही लगना है 0.03 पैसा, 0.21, मतलब आपको डिलीवरी में ज़्यादा लगेगा क्योंकि सिक्योरिटी ट्रेड होती है एक पर्सन से सेकंड पर्सन पर, और इंट्राडे में आपको सेटलमेंट नहीं होता, उससे पहले ही हो जाता है, तो आपको चार्ज कम लगता है। सेबी टर्नओवर चार्जेस जीरो लगता है दोनों में, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस इंट्राडे पे 0.0 लगता है और डिलीवरी में 0.02 लगता है, वो अलग अलग वेरी करते हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, और टोटल टर्नओवर चार्ज भी लगता है, टोटल चार्जेस ऑन टर्नओवर, मतलब 210 रुपये का टर्नओवर हुआ तो इंट्राडे पे आपको लगेगा सिर्फ 17 पैसे और डिलीवरी पे लगेंगे 0.27 पैसे आपको ज़्यादा, प्लस डिलीवरी पे एक और चार्ज लगेगा जिसको बोलते हैं डीपी चार्जेस, जो 15 रुपये लगता है। तो मतलब यहाँ पे आपको बताया गया नेट प्रॉफिट कितना होगा 9 रुपये और 73 पैसे का, पर ये भी लॉस होगा क्योंकि डीपी चार्जेस अलग से है, यहाँ पे डीपी चार्जेस एक्सक्लूड किए गए हैं, यहाँ पे नहीं बताए गए। और नेट प्रॉफिट नेट लॉस होगा आपको 100 रुपये 25 पैसे सेल पे डिलीवरी पे और 10 रुपये 15 पैसे इंट्राडे पे। अब इसी क्वांटिटी को अपन 100 क्वांटिटी करके चेक कर लेते हैं, तो भी देखो ब्रोकर इंट्राडे के ब्रोकरेज चार्जेस बढ़ गए, डिलीवरी में सेम रहेंगे और नेट प्रॉफिट नेट लॉस इतना होगा, पर इसको डीपी चार्जेस आपको छोड़ देने, अब इसको बढ़ा देते हैं क्वांटिटी को 1000 कर देंगे तो सेम रहेगा, बस चेंज क्या हो जाएगा, ब्रोकरेज सेम रहेगी, आपको सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज 210 रुपये लग जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी 15 रुपये लग जाएगी, एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस बढ़ जाएगा, बट ये अच्छी बात होती है जिसलिए इनको डिलीवरी पे जीरो ब्रोकरेज बोला जाता है, क्योंकि इनका डिलीवरी चार्ज बहुत कम, मतलब 0.02 पैसा है और कम ही, वो खुलासा है जो जीरो ब्रोकरेज चार्जेस बोलते हैं, तो ब्रोकरेज चार्जेस जीरो हैं बट जो रिमेनिंग चार्जेस हैं वो सेम के सेम एज इट इज़ रहते हैं सभी ब्रोकरेज में, जब तक कोई बड़ा चेंज गवर्नमेंट नहीं। और आपको नीचे देखना है तो देख सकते हो क्या क्या एक्सक्लूड है, अबव कैलकुलेट डज नॉट इंक्लूड प्लेटफॉर्म फीस एंड डिपॉजिटरी चार्जेस, मैंने बोला ही था डिपॉजिट डीपी चार्जेस 15 रुपये नहीं और इसका प्लेटफॉर्म चार्जेस वो नहीं है, तो ये अलग है, डिलीवरी जीरो है पर आपको सब कुछ चार्जेस हैं जो गवर्नमेंट के वो तो लगने ही लगे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी अपनी चैनल है, कुछ भी क्वेरी कमेंट मिलेगी आपकी हेल्प करने की जरूर कोशिश करूँगा। बाय बाय फ्रेंड्स।